आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। गुमला, वैश्विक महामारी कोरोना से उपजे भीषण संकट के इस दौर में गुमला में सामाजिक सरोकारों के प्रति खासी संजीदगी और प्रतिबद्धता दर्शाकर इन दिनों एक व्हाट्सएप समूह जरूरतमंद लोगों के मसीहा के तौर पर सामने आया है। व्हाट्सएप के आरंभिक दिनों से ही संचालित गुमला के भक्त नामक व्हाट्सएप समूह विविधता की इस घड़ी में असहाय और जरूरतमंद परिवार तथा छोटे बच्चों के बीच खाद्यान्न एवं दूध समेत अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध तरीके से कर रखा है। बड़ी बात यह है कि सरकारी मशीनरी के दावों और तमाम कवायदों के बावजूद भी जहां कई जरूरतमंद तक इन सामग्रियों की सुलभता पूर्वक पहुंच अब भी दावे के अनुरूप नहीं हो पा रहा, वहीं इस व्हाट्सएप मीडिया समूह से जुड़े जिम्मेवार सदस्यों की आपसी तालमेल तथा सेल्फ फंडिंग के जरिए बड़े पैमाने पर गरीब तथा जरूरतमंद परिवारों तक सभी आवश्यक खाद्य पदार्थ के अलावा सुरक्षा हेतु मास्क व सैनिटाइजर तक निशुल्क मुहैया कराया जा रहा है। गौरतलब है कि इन दिनों लॉकडाउन के क्रम में रोजगार छिनने से क्षुब्ध डीएसपी रोड निवासी एक बड़ई मिस्त्री द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने की घटना की सूचना समूह के इन सदस्यों को मिली तो उन लोगों ने वहां पहुंचकर उसके दो छोटे छोटे बच्चे व पत्नी को ढांढस बनाया और उनके आत्मनिर्भर होने तक उनके जरूरी खर्चों का वहन का भरोसा भी दिलाया। तब से लगातार उस परिवार को ये समूह प्रतिदिन मदद पहुंचा रखा है। झारखंड के गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। ज्ञात हुआ कि डीएसपी रोड में एक बढ़ई मिस्त्री ने आत्महत्या कर ली थी, तो ये वाक्य आज से 10 दिन पहले की है और हमारे ग्रुप मेंबर्स तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे थे और इनके ही द्वारा पीसीआर को लोड करके अस्पताल भेजा गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें बचाया नहीं जा सका। अभी तत्काल हम लोग इनके परिवार से मिलने आए हैं और एक सप्ताह का राशन और कुछ हमारी ओर से आर्थिक सहायता इन्हें की जा रही है और एक सप्ताह बाद हम लोग फिर से मिलेंगे और इनसे तब तक मिलते रहेंगे जब तक इनको हम लोग इनके पैरों पर खड़ा न करा दें। ये हमारा गुमला के भक्त ग्रुप का वादा है इनसे और हम लोग इनके स्कूल का भी कुछ प्रबंध करेंगे, स्कूल प्रशासन से हम लोग बात करेंगे कि इनका फीस या तो माफ किया जाए या आधा किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील गुप्ता हुआ, मैं एडमिन हूँ गुमला के भक्त व्हाट्सएप ग्रुप का। अच्छा कदम तो अच्छा, गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा कदम था जिससे गरीब लोग को राशन मिल जा रहा है खाना के लिए, भूखे नहीं मरेगा। आपके साथ में क्या कठिनाई हुई थी? मेरे साथ में सर, मैं रोज कमाने खाने वाला हूँ और काम धाम नहीं चल रहा है, सारा चीज खत्म हो गया है घर में, किसी कोई चीज भी नहीं है खाने के लिए, तो ये पहल बहुत अच्छा लगा। हमें मालूम चला तो हम इसी माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं और